हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सब कुछ शिक्षा पर। आज हम जनरल नॉलेज के बिजनेस इस टॉपिक के ऊपर सेकंड क्विज लाए हैं। हमने फर्स्ट क्विज कंप्लीट कर चुके हैं, ये सेकंड क्विज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द फैमिली बिजनेस ऑफ वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल्स प्रोडक्ट विप्रो फाउंडर चेयरमैन एंड इसामाई शिति अजीम हशीम प्रेम जी। जो व्हाट वाज द फैमिली बिजनेस ऑफ वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स विप्रो के फाउंडर चेयरमैन कौन थे? तो इस्माई शिति अजीम हशीम प्रेम जी। तो इन ये जो फैमिली बिजनेस कौन सा था, जो बिजनेस ऑफ वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट, जो वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट है विप्रो, उसके फाउंडर जो चेयरमैन, फाउंडर और चेयरमैन इस्माली शिट्टी अजीम हशीम प्रेम जी, उनका फैमिली बिजनेस कौन सा है? राइस मिल, बल्क मैन्युफैक्चरिंग, एडिबल ऑयल ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड। यानी कि राइस मिल, बल्क मैन्युफैक्चरिंग, जो बल्ब बनते उसकी मैन्युफैक्चरिंग का, एडिबल ऑयल ट्रेड, एडिबल ऑयल ट्रेड का, या इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्रेड का। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एडिबल ऑयल ट्रेड। एडिबल ऑयल ट्रेड वॉज द फैमिली बिजनेस ऑफ वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स विप्रोज फाउंडर चेयरमैन एंड इस्माली शिट्टी अजीम हशीम प्रेम जी। इनका फैमिली बिजनेस कौन सा है? तो एडिबल ऑयल ट्रेड का इनका फैमिली बिजनेस है, जो कि है फाउंडर और चेयरमैन वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स विप्रो के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच अमॉन्ग दिस कंपनी क्लेम्स एज इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिकन। नीचे दी गई में से कौन सी कंपनी दावा करती है कि वो इंडिया की सबसे ज़्यादा चिकन प्रोड्यूसर कंपनी है? यानी कि ये कंपनी सबसे ज़्यादा चिकन प्रोड्यूस करती है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिकन, इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिकन कौन सी कंपनी प्रोड्यूस करती है ये, और क्लेम करती है, यानी कि दावा करती है। 1, ऑप्शन नंबर 1, वेनकॉफ वेनकीज। 2, ब्रोमार्क। 3, सुगुना ग्रुप। 4, रियल गुड गोदरेज। तो मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ, विच अमॉन्ग दिस कंपनी क्लेम्स एज इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिकन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिकन एज ए क्लेम करते हैं, वेनकॉफ वेनकाइज, ब्रोमार्क, सुगुना ग्रुप, या 4, रियल गुड गोदरेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सुगुना ग्रुप। सुगुना ग्रुप कंपनी, दिस कंपनी क्लेम्स एज दे आर द इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिकन, और कंपनी विच क्लेम्स एज द इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिकन इज सुगुना ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड ऑफ 4G एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स इन इंडिया। नीचे देखे में से कौन सी लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड है 4G एंड्रॉयड मोबाइल्स की भारत में? जो 4G एंड्रॉयड मोबाइल्स होते हैं, इनमें से कौन सी कंपनी लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड है इंडिया में, भारत में? ऑप्शन नंबर 1, Xiaomi। ऑप्शन नंबर 2, Motorola। ऑप्शन नंबर 3, Oppo, या ऑप्शन नंबर 4, Samsung। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, Xiaomi। Xiaomi इज द लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड ऑफ 4G एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स इन इंडिया। Xiaomi लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड है 4G एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स की भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच बेस्ट सेलिंग बुक सोल्ड ओवर 10 मिलियन कॉपीज रिटन बाय डॉक्टर केनेथ ब्लैंचर्ड, वन ऑफ द टॉप लिविंग मैनेजमेंट गुरु। जो डॉक्टर केनेथ ब्लैंचर्ड, इन्होंने लिखी गई, जो कि टॉप लिविंग मैनेजमेंट गुरु है दुनिया के, उन्होंने एक उनकी जो बेस्ट सेलिंग बुक सोल्ड ओवर 10 मिलियन कॉपीज
जिसकी 10 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। कौन से हैं वो, कौन सा बुक है वो? फर्स्ट यू कैन विन, सेकंड मैक्सिमम पावर, थर्ड 1 मिनट मैनेजर, फोर्थ इज 10 मिनट MBA। मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ, कौन सी बेस्ट सेलिंग बुक है डॉक्टर केनेथ ब्लैंचर्ड की, जो कि टॉप लिविंग मैनेजमेंट गुरु हैं और उनकी ये बुक 10 मिलियन कॉपीज से ज़्यादा बिकी और उनकी कॉपीज निकाली गई? फर्स्ट यू कैन विन, सेकंड मैक्सिमम पावर, थर्ड 1 मिनट मैनेजर, फोर्थ इज 10 मिनट MBA। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 मिनट मैनेजर। 1 मिनट मैनेजर वॉज द बेस्ट सेलिंग बुक सोल्ड ओवर 10 मिलियन कॉपीज विच इज रिटन बाय डॉक्टर केनेथ ब्लैंचर्ड हु इज़ वन ऑफ द टॉप लिविंग मैनेजमेंट गुरु। और द बेस्ट सेलिंग बुक सोल्ड ओवर 10 मिलियन कॉपीज रिटन बाय डॉक्टर केनेथ ब्लैंचर्ड वन ऑफ द टॉप लिविंग मैनेजमेंट गुरु इज 1 मिनट मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ इंडियाज लार्जेस्ट FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूसिंग कंपनी। नीचे देखो में से कौन से भारत की लार्जेस्ट FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूसिंग कंपनी है? ऑप्शन नंबर 1 कोलगेट पाल्मोलिव, सेकंड हिंदुस्तान अन यूनिलीवर लिमिटेड, थर्ड इज प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड फोर्थ इज गोदरेज। तो नीचे दिए गए कंपनी में से कौन सी भारत की लार्जेस्ट FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूसिंग कंपनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इज इंडियाज लार्जेस्ट FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूसिंग कंपनी। और द इंडियाज लार्जेस्ट FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूसिंग कंपनी इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोटर कार्स। नीचे दिखे में से कौन सी कंपनी मोटर कार्स की दुनिया की सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मोटर कार्स की कंपनी है? ऑप्शन नंबर 1 फोर्ड मोटर्स, सेकंड टोयोटा मोटर्स, थर्ड GM मोटर्स या फोर्थ BMW। तो इन चारों कंपनी में से कौन सी कंपनी भारत की दुनिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मोटर कार्स की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 टोयोटा मोटर्स। टोयोटा मोटर्स इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोटर कार्स। टोयोटा मोटर्स ये दुनिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मोटर कार्स में, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोटर कार्स की कंपनी है टोयोटा मोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच अमॉन्ग दिस इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टोर इज ओन्ड बाय टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। नीचे दिए गए में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टोर ओन की है यानी कि वो है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की? नंबर 1 ऑप्शन क्रोमा, सेकंड ऑप्शन नेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन ई जोन, फोर्थ ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। नीचे दिए गए में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टोर ये ओन किया गया टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने? तो कौन सा वो ड्यूरेबल स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टोर ओन किया यानी कि खरीदा और उनका है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का? क्रोमा, नेक्स्ट ई जोन या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क्रोमा। क्रोमा इट इज दिस इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टोर विच इज ओन्ड बाय टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। और द इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टोर विच इज ओन्ड बाय टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी इज क्रोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8, विच कंपनी स्पेंड 12.5 बिलियन US डॉलर टू एक्वायर मोटोरोला मोबिलिटी विथ ओवर 1200 पेटेंट्स एंड अनदर 700 इन पाइपलाइन टू सेव एंड्रॉयड ओएस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। नीचे देखो में से किस कंपनी ने 12.5 बिलियन US डॉलर स्पेंड किए टू एक्वायर मोटोरोला मोबिलिटी, किसके लिए, तो मोटोरोला मोबिलिटी के लिए विथ ओवर 1200 पेटेंट्स, मोटोरोला मोबिलिटी के लिए विथ ओवर 12,000 पेटेंट्स यानी कि 12,000 पेटेंट्स के साथ एंड अनदर 7,000 इन पाइपलाइन और 7,000 पाइपलाइन। ओ रे बाप रे, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने स्पेंड किए 12.5 बिलियन US डॉलर्स, बहुत ही ज़्यादा ये अमाउंट होती है। किसके लिए, तो किसको सेव करने के लिए, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को सेव करने के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका फाइंड करना है, इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड इज ओरेकल, थर्ड इज गूगल एंड फोर्थ इज याहू। फिर से ऑप्शन दोहरा, तो माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट, सेकंड इज ओरेकल, थर्ड इज गूगल, फोर्थ इज याहू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, गूगल। गूगल इज द कंपनी विच स्पेंड 12.5 बिलियन US डॉलर्स टू एक्वायर मोटोरोला मोबिलिटी विथ ओवर 1200 पेटेंट्स एंड अनदर 7,000 इन पाइपलाइन टू सेव एंड्रॉयड ओएस। एंड्रॉयड ओएस यानी कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को बचाने के लिए गूगल इस कंपनी ने 12.5 बिलियन US डॉलर्स स्पेंड किए थ्रू एक्वायर मोटोरोला मोबिलिटी विथ ओवर 12,000 पेटेंट्स एंड अनदर 7,000 इन पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच इज इंडियाज सेकंड लार्जेस्ट बैंक एंड द लार्जेस्ट प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर। नीचे देखो में से कौन सी भारत की सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक एंड द लार्जेस्ट प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर और सबसे बड़ी प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर है। नीचे देखो में से कौन सी भारत की सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, दूसरी सबसे बड़ी बैंक है, लार्जेस्ट प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर और सबसे बड़ी प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर है। फर्स्ट HDFC, सेकंड इज एक्सिस बैंक, थर्ड इज ICICI बैंक, फोर्थ इज फेडरल बैंक। तो मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ, विच इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बैंक एंड द लार्जेस्ट प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर। ऑप्शन नंबर 1 HDFC, ऑप्शन नंबर 2 एक्सिस, ऑप्शन नंबर 3 ICICI, फोर्थ इज फेडरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ICICI। ICICI इज द इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बैंक, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है और भारत की प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में दूसरी सबसे बड़ी है एंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर और ये लार्जेस्ट प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। भारत की लार्जेस्ट प्राइवेट FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 रेडियो सिटी, ऑप्शन नंबर 2 रेडियो मिर्ची, थर्ड इज रेड FM, फोर्थ इज रेडियो। मैं क्वेश्चन फिर से दोहराता हूँ, नीचे देखो में से कौन सी भारत की लार्जेस्ट प्राइवेट FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, रेडियो सिटी, रेडियो मिर्ची, रेड FM या फोर्थ रेडियो 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रेडियो मिर्ची। रेडियो मिर्ची इज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी और इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इज रेडियो मिर्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच कंपनी प्रोपोजेस टू ओन मोर देन 400 मूवी हाउसेस इन इंडिया। नीचे देखिए में से कौन सी कंपनी प्रपोज किया है टू ओ ऑन मोर देन 400 मूवी हाउसेस इन इंडिया, जिसके पास 400 से भी ज़्यादा मूवी हाउसेस है भारत में। ऑप्शन नंबर 1 इनॉक्स, ऑप्शन नंबर 2 PVR, ऑप्शन नंबर 3 एडलैप्स,
ऑप्शन नंबर फोर्थ इज फेम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। किस कंपनी प्रपोज करती है टू ओन मोर देन 400 मूवी हाउसेस इन इंडिया, 400 से भी ज़्यादा उनकी मूवी हाउसेस है भारत में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, एडलैब्स। एडलैब्स इज द कंपनी हु प्रपोजेस टू ओन मोर देन 400 मूवी हाउसेस इन इंडिया, और कंपनी प्रपोजेस टू ओन मोर देन 400 मूवी हाउसेस इन इंडिया इज एडलैब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ। विच कंपनी प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट सेलिंग कार्स इन इंडिया, नीचे देखो में से कौन सी कंपनी लार्जेस्ट सेलिंग कार्स है इंडिया में, लार्जेस्ट सेलिंग कार्स है वो कंपनी है इंडिया में। विच कंपनी प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट सेलिंग कार्स इन इंडिया, नीचे दिए में से कौन सी कंपनी लार्जेस्ट सेलिंग कार्स प्रोड्यूस करती है, यानी कि सबसे ज़्यादा उनकी कंपनी की कार्स बिकती हैं। ह्युंडई मोटर्स फर्स्ट ऑप्शन, मारुति सुजुकी ऑप्शन नंबर टू, टाटा मोटर्स ऑप्शन नंबर थ्री एंड महिंद्रा मोटर्स ऑप्शन नंबर फोर्थ, इन चारों में से कौन सी कंपनी है जो लार्जेस्ट सेलिंग कार्स है उनकी इंडिया में, जिनके सबसे ज़्यादा कार्स सेल्स होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी इज द कंपनी हु प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट सेलिंग कार्स इन इंडिया, मारुति सुजुकी एक कंपनी है जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेलिंग कार्स मंजे यानी कि सबसे ज़्यादा उनकी कार्स बिकती हैं मार्केट में। कंपनी प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट सेलिंग कार्स इन इंडिया इज मारुति सुजुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु रॉट द बेस्ट सेलिंग बुक मेड इन जापान, द को फाउंडर ऑफ सोनी कॉरपोरेशन, किसने बेस्ट सेलिंग बुक मेड इन जापान लिखी गई जो कि को फाउंडर है सोनी कॉरपोरेशन के। मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ, हु रॉट द बेस्ट सेलिंग बुक मेड इन जापान द को फाउंडर ऑफ सोनी कॉरपोरेशन, सोनी कॉरपोरेशन के को फाउंडर जिन्होंने बेस्ट सेलिंग बुक लिखी मेड इन जापान, तो कौन थे, जूनिक्रो टेनिजाकी, अकियो मोरिटा, युकियो मिशिमा, कोबो अबे। फिर से मैं ऑप्शन दोहराता हूँ, जूनिक्रो टेनिजाकी, अकियो मोरिटा, युकियो मिशिमा, कोबो अबे। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, अकियो मोरिटा। अकियो मोरिटा रॉट द बेस्ट सेलिंग बुक मेड इन जापान अकियो मोरिटो इज द हु इज को फाउंडर ऑफ सोनी कॉरपोरेशन, और द बेस्ट सेलिंग बुक मेड इन जापान रिटन बाय द को फाउंडर ऑफ सोनी कॉरपोरेशन हुज नेम इज अकियो मोरिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच मेजर ब्रांड रिप्लेस द नंबर वन मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स गूगल विच रीनेम्ड फॉर 4 सक्सेसिव ईयर्स इन 2011। नीचे देखो में से कौन से मेजर ब्रांड ने रिप्लेस किया नंबर वन मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स गूगल को विच रीइग्निट फॉर 4 सक्सेसिव ईयर्स इन 2011, जब क्योंकि वो 2008, 2009, 2010 इन चारों साल में वो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड था गूगल, उसे रिप्लेस किया किस कंपनी ने 2011 में। ऑप्शन नंबर वन एप्पल, ऑप्शन नंबर टू मैकडॉनल्ड्स, ऑप्शन नंबर थ्री मैबोरो, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज जनरल इलेक्ट्रिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन एप्पल। एप्पल इज द मेजर ब्रांड हु रिप्लेस द नंबर वन स्लैश वन मोस्ट वैल्यूएबल
global brands Google, which regained for four successive years in 2007, 2008, 2009 and 2010. But he replaced in 2011 Apple. Major brand replaced the number one most valuable global brands Google, which regained for four successive years in 2011 is Apple company. Next. Question number 15. Which of these biotech company is owned by the leading Indian businesswoman Kiran Mazumdar Shaw, Bangalore se hu. Niche dikhe mein se kaun si biotech company owned by the leading Indian businesswoman ye inki hai. किनकी हैं लीडिंग इंडियन बिजनेस वुमन किरण मजुमदार शॉ बैंगलोर की, मतलब बैंगलोर की रहने वाली किरण मजुमदार शॉ बिजनेस वुमन है, लीडिंग इंडियन बिजनेस वुमन है, जिनकी कौन सी बायोटेक कंपनी है. एमगेन, बियो कॉन्क्विस्ट, 3G बायोटेक या फोर्थ शांता बियो बायो. फिर से मैं क्वेश्चन ऑप्शन दोहराता हूँ. एमजेन, बियो कॉन्क्विस्ट, 3G बायोटेक, शांता बियो. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बियो कॉन्क्विस्ट. बियो कॉन्क्विस्ट is the biotech company which is owned by the leading Indian businesswoman Kiran Mazumdar Shaw, Bangalore. Or the biotech company which is owned by the leading Indian businesswoman Kiran Mazumdar Shaw, Bangalore. Next question. Question number 16. Which company became the first to film a commercial in space in which their product orbited outside the MIS space station? नीचे दिए गए में से कौन सी कंपनी ने सबसे पहली फिल्म और कमर्शियल फिल्म यानी कि जिसे कहते हैं हम एड्स, वो स्पेस में शूट की. इन विच फर्स्ट टू फिल्म अ कमर्शियल इन स्पेस इन विच देयर प्रोडक्ट ऑर्बिटेड आउटसाइड द MIS स्पेस स्टेशन. जैसे कि उन्होंने कमर्शियली उस फिल्म को बिकेम द फर्स्ट टू फिल्म द कमर्शियल इन स्पेस, उन्होंने स्पेस में कमर्शियल फिल्म तैयार की. इन विच देयर प्रोडक्ट ऑर्बिटेड आउटसाइड द MIS स्पेस स्टेशन, और उनमें उनका प्रोडक्ट और उस एड में उनका प्रोडक्ट ऑर्बिटेड आउटसाइड द MIS स्पेस स्टेशन, उस प्रोडक्ट ने ऑर्बिट लगाई MIS स्पेस स्टेशन की. कहाँ पे? तो स्पेस में, MIS स्पेस स्टेशन के बाहर उसने ऑर्बिट लगाई. ऑप्शन नंबर 1 कोक, ऑप्शन नंबर 2 पेप्सी, ऑप्शन नंबर 3 पिज्जा हट, ऑप्शन नंबर 4 केलोग्स. तो इन चारों में से कौन से प्रोडक्ट ने MIS स्पेस स्टेशन के बाहर ऑर्बिट लगाया और किस कंपनी के? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पेप्सी. पेप्सी कंपनी बिकेम द फर्स्ट टू फिल्म अ कमर्शियल इन स्पेस in which their product orbited outside the MIS space station. Or the company became the first to film a commercial in space in which their product orbited outside the MIS space station, which is Pepsi. वो Pepsi company थी. Next question. Question number 17. Who is one of the four richest Indians, NRIs, owing the famous landmark of Singapore Mustafa Center at Little India, which has over 150,000 items. Who is the one of the most, फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ. Who is the one of the four richest Indians? नीचे दिए में से कौन सा व्यक्ति four richest Indians में आता है? NRIs यानी कि non resident Indians, यानी कि वो भारतीय है लेकिन भारत में नहीं रहते, बाहर रहते. Owing the famous landmark of Singapore, जिन्होंने फेमस लैंडमार्क ऑफ सिंगापुर खरीदा. मुस्तफ़ा सेंटर एट लिटिल इंडिया, लिटिल इंडिया में जो मुस्तफ़ा सेंटर है वो जो कि फेमस लैंडमार्क ऑफ सिंगापुर है वो ख़रीदा. विच हैज़ ओवर 150,000 आइटम्स, और उस मुस्तफ़ा सेंटर लिटिल इंडिया के लिटिल इंडिया में कितने आइटम्स थे? 1,50,000, यानी कि 150,000, आप सोच सकते 150,000 आइटम्स थे. सॉरी
150,000 आइटम्स है बिल्कुल। तो आप सोच सकते कि कितने ज़्यादा आइटम्स हो गए उस मुस्तफ़ा सेंटर में लिटिल इंडिया के, जो कि फेमस लैंडमार्क ऑफ सिंगापुर था, सिंगापुर का फेमस लैंडमार्क था। तो कौन सा रिचेस्ट इंडियन होगा, वन ऑफ द फोर्थ रिचेस्ट इंडियन है वो NRIs में? सुधीर गुप्ता, मुरली, के वाई राम चंद्राय, थर्ड इज मुश्ताक अहमद, फोर्थ इज कार्तल सिंह तखराल। फिर से क्वेश्चन दोहरा, तो सुधीर गुप्ता, मुरली के वाई राम चंद्राय, मुश्ताक अहमद, कार्तल सिंह तखराल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद इज वन ऑफ द फोर रिचेस्ट इंडियंस NRIs, ओविंग द फेमस लैंडमार्क ऑफ सिंगापुर मुस्तफा सेंटर एट लिटल इंडिया विच हैज ओवर 150,000 आइटम्स। और हु इज द वन ऑफ द फोर्थ इंडियंस, दिस इज द वन ऑफ द फोर्थ रिचेस्ट इंडियंस NRIs, ओविंग द फेमस लैंडमार्क ऑफ सिंगापुर मुस्तफा सेंटर एट लिटल इंडिया विच हैज ओवर 150,000 आइटम्स इज मुश्ताक अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच अमॉन्ग टाई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजिंग PSE कंपनी स्टेटस इज रेटेड एज महारत्न? निश्चित दिखे में से कौन सी, हु अमॉन्ग द टाई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजिंग PSE कंपनी स्टेटस इज रेटेड एज महारत्न? निश्चित दिखे में से कौन सी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजिंग कंपनी है जिसकी स्टेटस एज महारत्न, उसे महारत्न से बुलाया जाता है? ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL। मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ, विच अमॉन्ग टाइप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजिंग PSE कंपनी स्टेटस इज रेटेड एज महारत्न, उसे महारत्न बुलाया जाता है? ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, कोल इंडिया लिमिटेड CIL। CIL कोल इंडिया लिमिटेड टाई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजिंग PSE कंपनी स्टेटस विच इज रेटेड एज महारत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले, जो महारत्न है वो टाइटल कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया उसकी अच्छी इनकम की वजह से। बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल कंपनी है भारत की, और इसे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजिंग PSE कंपनीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडियन प्लांट इन चेन्नई इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ रेडियल टायर्स इज देयर लार्जेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड? कौन सी कंपनी, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडियन प्लांट इन चेन्नई इज केपेबल ऑफ, नीचे कौन सी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जो इंडियन प्लांट है चेन्नई में इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ रेडियल टायर्स, जिसके पास कैपेबिलिटी है प्रोड्यूस करने की कितनी, 14 मिलियन टन्स ऑफ रेडियल टायर्स रेडियल टायर्स की कितनी 14 मिलियन टन्स प्रोड्यूस करने की, इज देयर लार्जेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड, जो कि लार्जेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड है 14 मिलियन टन्स ऑफ रेडियल टायर्स प्रोड्यूस करने की। निश्चित में से कौन सी कंपनी की वो कैपेबिलिटी है, गुडियर USA, ब्रिजस्टोन जापान, मिचेलिन फ्रांस, पिरेली इटली? तो निश्चित में से कौन सी कंपनी की वो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, गुडियर USA की, ब्रिजस्टोन जापान की, मिचेलिन फ्रांस की, पिरेली इटली की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मिचेलिन फ्रांस मिचेलिन कंपनी, मिचेलिन टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच इज फ्रॉम फ्रांस, हुज इंडियन प्लांट इन चेन्नई इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अबाउट 14 मिलियन टन्स ऑफ रेडियल टायर्स इज देयर लार्जेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड, वो लार्जेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड है जिसकी कैपेबिलिटी है 14 मिलियन टन्स ऑफ रेडियल टायर्स प्रोड्यूस करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20,
विच वॉज द फर्स्ट कंपनी टू डेवलप एंड मार्केट एस्पिरिन? नीचे दिए गए में से कौन सी पहली कंपनी है जिसने एस्पिरिन को डेवलप किया और उसे मार्केट में ले आए? फर्स्ट ऑप्शन बेयर एजी, सेकंड हाइचेस्ट, थर्ड इज नोवारिटीज, फोर्थ इज ग्लैक्सो। तो नीचे दिए गए में से कौन सी वो पहली कंपनी जिसने एस्पिरिन को डेवलप किया और मार्केट में लाया? बेयर एजी, हाइचेस्ट, नोवारिटीज, ग्लैक्सो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बेयर एजी। बेयर एजी वॉज द फर्स्ट कंपनी टू डेवलप एंड मार्केट एस्पिरिन। बेयर एजी पहली ऐसी कंपनी जिसने डेवलप की एस्पिरिन और मार्केट में लिया है। तो इसी तरह से जो 20 क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के बिजनेस इस टॉपिक के ऊपर जो सेकंड क्विज लाए हैं, तो उसके 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, वैल्यूएबल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल सबको शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कंटेंट, ये जो सारे वीडियोज़ में जो बना रहा हूँ वो शेयर कीजिए। आपके जो भी दोस्त हैं उनसे रिलेटेड जो भी स्टडीज़ हैं, बहुत सारे टॉपिक्स के रिलेटेड मैं क्विजेस तैयार करता हूँ। तो जो भी आपका दोस्त जिस भी टॉपिक्स या जिस भी टॉपिक से रिलेटेबल है उसको हेल्प हो सकते हैं, तो प्लीज़ उसे फॉरवर्ड कर दीजिए और शेयर कीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं ज़्यादातर बोलता हूँ क्योंकि आप अगर आप लाइक करें तो मुझे पता चलता है कि वीडियो अच्छा है और भी वीडियो बनाने चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच।